नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। नवरात्र के पहले दिन के साथ हिंदुओं के नव वर्ष का भी हुआ आगाज। गोरखपुर के प्राचीन काली मंदिर में भक्तों का उमड़ा तांता। तरकुलहा देवी पर भी भक्तों ने टेका माथा। नवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर भी आयोजित हुआ फलाहार कार्यक्रम। लोगों ने दी शुभकामनाएं। देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाए जाने के बाद निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा, गोरखपुर की जनता और प्रशासन का मिला पूरा सहयोग। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के बाद लग रही है शुभचिंतकों की भीड़। जनता, मीडिया, पुलिस और मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। गोरखनाथ मंदिर में लगाए गए किसान मेले के तीसरे दिन किसानों को फसल को नुकसान से बचाने की दी गई जानकारी। गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई संपन्न। महानगर के विकास के कार्यों पे हुई चर्चा। ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। नववर्ष के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। 6 केंद्रों में रविवार से आरंभ हुआ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य। वैश्य कल्याण समिति द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। रंग गुलाल लगाकर महिलाओं ने किया मनमोहक नृत्य। और आतिफ वेटरन T20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने SBI क्लब को 37 रनों से हराया। अब खबरें विस्तार से। रविवार 18 मार्च से हिंदू धर्म के अनुसार आज साल का पहला दिन मनाया जाता है और आज ही संयोगवश नवरात्र का शुभारंभ भी हुआ है। इस मौके पर गोरखपुर के प्राचीन काली मंदिर, जो कि गोलघर में स्थित है, वहां पर श्रद्धालुओं का मां के पैरों तले माथा टेकने के लिए तांता लगा रहा। यहां लोग सिर्फ महानगर से ही नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों से भी मां काली के दर्शन करने के लिए नवरात्र के पहले दिन भक्ति भावना से ओत प्रोत होकर चले आए, जिससे जो बन पड़ा वो मां के चरणों में चढ़ावा चढ़ाने के लिए आतुर दिखा। इस मौके पर काली मंदिर के आसपास की दुकानें भी सज चुकी हैं, जहां से मां भक्त प्रसाद लेकर इन प्राचीन मंदिर में अपने प्रार्थना को प्रस्तुत करने चले आ रहे हैं। उधर कई सौ वर्षों से विख्यात मां तरकुलहा देवी के मंदिर पर भी हजारों श्रद्धालु नवरात्रि के समय मां के चरणों में शीस झुकाने चले आते हैं। वहीं चैत्र नवरात्र का अलग ही इसमें महात्म है। यहां चैत्र नवरात्र से लेकर सवा माह तक मेले का आयोजन किया जाता है। लोगों की भीड़ आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के लिए उमड़ी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुछ श्रद्धालुओं ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह से व्यक्त किया। सुंदरी
पहला दिन है। आप बताइए बेटा, आप क्या आए हैं? मैं मम्मी के साथ दर्शन करने आया हूँ। नवरात्र के समय? हाँ। मंदिर का आप बताइए। बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की, और जब से हम पैदा हुए हैं हम खुद ये जान रहे हैं कि यहाँ के लोग माता को बहुत ज्यादा मानते हैं, उस वजह से हम लोग भी बहुत ज्यादा मानते हैं, कामना पूरी करते हैं। नवरात्र का समय चल रहा है, नवरात्र का भी समय चल रहा है, और इस वक्त से भी इसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ गई है। रामनवमी के अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर रविवार को फलहारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को बधाई देने के बाद फलहार ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने बताया, प्रथम दिन करने में अधिकांश लोग प्रथम और अंतिम दिन जो रहते हैं उनका भागीदारी हो जाती है और वो आते हैं, और सभी लोगों की पिछले 25 वर्षों से आने जाने का क्रम लगा हुआ है। एक तरह से सभी लोग जो आते हैं सामंजस्य भी उन लोगों का हो जाता है, जो महीनों महीनों नहीं मिले रहते हैं वो भी मिल लेते हैं, तो इस नाते जो आ जाए। गोरखपुर के निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रौतेला का पदोन्नति करके देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाए जाने के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान जिलाधिकारी ने कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में यहां के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित किया, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया,
दो दो चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराया, जिसके लिए जनता का काफी सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पदोन्नति किए जाने के बाद अब देवीपाटन मंडल की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। यहां पर भी कानून व्यवस्था बनाए रखने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। निवर्तमान जिलाधिकारी देवीपाटन मंडल के आयुक्त राजीव रौतेला ने इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता से कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जनपद निवासी हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। और मेरा कार्यकाल यहां लगभग एक साल का रहा और गोरखपुर क्योंकि एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूर्वांचल का संवेदनशील जनपद है, इसलिए यहां पर कार्य करने का अपना एक अनुभव रहा। चाहे वो बाढ़ की विभीषिका रही हो अगस्त सितंबर के महीने में, चाहे यहाँ पर होने वाले दो चुनाव हुए हों, इसके अलावा जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही हैं, चाहे उनका क्रियान्वयन हो, चाहे जनता की समस्याओं के समाधान की बात हो, इन सभी में जिला प्रशासन ने बहुत दिन रात मेहनत करके अपने कार्यों का निष्पादन किया है। अधिकारियों की टीम यहाँ पर उच्च कोटि की रही है और जो ऐसा समय रहा जब हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार विभिन्न समुदायों के एक साथ पड़े, तो उसमें पुलिस और प्रशासन ने एक साथ कंधे से कंधा मिला के और बेहतर सुनियोजित पूरी प्लानिंग के द्वारा और दिन रात परिश्रम करके इन सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक भी संपन्न कराया। एक पूरा इवेंटफुल पूरा साल ये रहा है और इस बात की बहुत संतुष्टि मुझे है कि हमने इस जनपद में शांति व्यवस्था बना के रखी, विकास के कार्यों को नया आयाम दिया और जनता में जो एक विश्वास है पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति, उसको हमने न केवल जागृत किया वो आगे बढ़ाया और एक संवेदनशील प्रशासन हमने गोरखपुर की जनता को दिया। जी मेरी प्रोन्नति जनवरी के माह में हो गई थी और अब तैनाती मुझे मिली है और देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त के रूप में मैं कल कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ। और ये मंडल जो है इसमें चार जनपद अवस्थित हैं और उस नए मंडल में तैनाती के पश्चात, वहाँ कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, पूरी मंडलीय व्यवस्था में एक संवेदनशील प्रशासन, एक जनता के प्रति उनके कार्यों को तत्परता से करने वाला प्रशासन और विकास उन्मुखी प्रशासन देने का हम प्रयास करेंगे और अपने पूरे मंडल में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरी पूरी प्रशासनिक टीम ने पूरे इस कार्यकाल में, लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में, पूरा सहयोग उन्होंने दिया। और क्योंकि बहुत चैलेंजिंग समय रहा और बहुत इवेंटफुल ये पूरा समय रहा, तो सभी अधिकारियों ने, सभी विभागों के, केवल प्रशासन ही नहीं, साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी, साथ में विकास विभाग के अधिकारी, जितने भी डिपार्टमेंट्स और सीधे जिलाधिकारी के प्रति जवाबदेह होते हैं, उन सभी ने बहुत परिश्रम से काम किया है। उन सबका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का तबादला इलाहाबाद कर दिया गया है। एसएसपी के तबादले के बाद रविवार को पुलिस के अधिकारी और शुभचिंतक उनके आवास पर पहुंचकर उनके साथ किए गए कार्यों को शेयर किए। गोरखपुर में मात्र 8 महीने के कार्यकाल में एसएसपी ने अपनी कार्यशैली से पुलिस और जनता के बीच अमिट छाप बना ली थी। क्राइम पर कंट्रोल और सोशल पुलिसिंग पर जोर देकर लोगों के बीच विश्वास बनाने में एसएसपी सफल रहे। तबादले के बाद अपने आवास पर गोरखपुर न्यूज से एक विशेष बातचीत के दौरान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने कहा कि यहाँ के जनता, मीडिया, पुलिसकर्मियों के साथ मुख्यमंत्री को भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें यह कार्य करने का मौका दिया, जिसके कारण शासन की योजनाओं के अनुरूप कार्य करने का अवसर मिला। निवर्तमान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए बताया, सोमवार जाना है उनको।
कौन चिट्ठे? वो ले गए सर, अमित सिंह जी ने आपको दे सकते कुछ ना बोला करो, बाकी सब बोला करो, प्रोग्राम भी लग जाएगा, प्रोग्राम हो जाए तो लोग लंच खुद कर लेंगे। यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, यहाँ के अधिकारियों, कर्मचारियों और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे खुलकर काम करने का मौका दिया, बिना किसी दबाव के काम करने का मौका दिया और शासन की प्राथमिकताओं पे जितना संभव हो सका अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश की है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पर्याप्त सहयोग दिया और इसके लिए मैं सबका यहाँ हार्दिक आभारी हूँ और गोरखपुर की जनता विशेष रूप से मुझे प्रिय है और उन्होंने मेरा पूर्ण सहयोग हर कानून व्यवस्था को बनाए रखने में किया। कुछ खास अनुभव सर ऐसा रहा कि लगता हो कि काम छूट गया, हमसे अधूरा रह गया, नहीं कर पाए हम इसको? हमेशा ही काम बचे रहते हैं, पुलिस कल्याण के बहुत सारे काम अभी बचे रह गए हैं और इसके अलावा कई सारे काम अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में अलग से विस्तार से बताना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन हमेशा ही काम शेष रहता है, कोई काम पुलिस का काम ऐसा है जिसमें कभी भी काम बंद नहीं होता। ये जो स्वच्छ और पारदर्शी शासन व्यवस्था है इसका लाभ उठाएं और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी इस शासन की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में निरंतर योगदान देते रहें, यहाँ की जनता कानून व्यवस्था को बनाए रखने में और सौहार्द और समन्वय बनाए रखने में लगातार योगदान देती रहे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी शुभेच्छा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखनाथ मंदिर परिसर में चलने वाले 5 दिवसीय कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विराट किसान मेले के 3रे दिन किसानों को उत्तम खेती करने, फसलों को नुकसान से बचाने सहित उससे लाभ कमाने की जानकारी दी गई। मेले में कृषि विभाग, हस्तकरघा विभाग, हस्तशिल्प कला सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से किसानों को कृषि के माध्यम से आय अर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव ने उपस्थित किसानों को अपने फसलों को कीड़े से बचाव की जानकारी दी, जिसमें किसान अपने फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं और उत्तम खेती के माध्यम से धन भी अर्जित कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज बताना
ही ग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब यहाँ पे पेस्ट शब्द जो है वो हम आपको तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पेस्ट क्या है। पेस्ट दो शब्द होते हैं, एक होता है इंसेक्ट और एक होता है पेस्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, आप कीड़ा किसको कहेंगे? कीड़ा जानने के लिए आपको जो जानकारी है आप रेंगने वाले उड़ने वाले तमाम तरह के कीड़े हैं। कीड़े की एक जो विशेषता है वो मैं बताना चाहूंगा। इसमें कीड़ा आप उसी को बोलेंगे जिसके की आगे सिर के आगे दो संहिताएं होती हैं, एक जोड़ी संहिता, दो जोड़ी पर और तीन जोड़ी पैर होते हैं, उन्हीं को हम कीड़ा बोलते हैं। सबको कीड़ा नहीं बोलते, कीड़ा बोलने के लिए, इंसेक्ट बोलने के लिए इन्हीं जिसके पास उसका शरीर भी तीन खंडों में बटा होगा और उसके एक दो तीन की गिनती में एक जोड़ी आगे संगीता होती है, जैसे जो भी मक्खी मच्छर आप देखेंगे उसके आगे उसके जो है एंटीनी बोलते हैं, एंटीना जो हम लोग घर में टीवी भी नहीं चलाते हैं, पहले चलाते थे ज़रा, जो एंटीना बोलते थे कि टीवी ठीक नहीं आ रहा, दो लोग खड़े हो गए, एक ऊपर जाके एंटीना हिला रहा, दूसरा आदमी नीचे कहता था हाँ थोड़ा और घुमाओ ठीक है ठीक है, तो वही जो है टाइप का कहीं कीड़ा होता है उन कीड़ों में भी होता है। आप मधुमक्खी का कहीं चित्र आएगा तो आप देखिएगा आगे जो है उसके तो वैसे हिलते डुलते जो है वो एंटीना संगीता बोलते हैं हिंदी में, एंटीना होता है। और दो जोड़ी पंखे होंगे पंख जिनसे वो उड़ते हैं और तीन जोड़ी पैर होते हैं, ये एक निश्चित मादक है उसी को हम कीड़ा बोलते हैं। अब पेस्ट की बात आई तो पेस्ट में कीड़े आते ही आते हैं, इसके अलावा जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं चाहे वो मनुष्य ही स्वयं क्यों ना हो, जितने भी जानवर हैं चाहे वो नीलगाय हो, बंदर हो, सुअर हो, चूहा हो, ये सारी चीजें जो भी मिला लेते हैं इनको हम बोलेंगे पेस्ट। तो हम आपको बता रहे थे कि आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जब हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि इनका कीड़ों का ही नहीं हम सभी चीजों का जो मैनेजमेंट करते हैं उनका एकीकरण सब्जी प्रबंधन के तहत, तो हम आज विशेष सब्जियों पे आपको जो है चीजें बताते हैं। इनके लिए आपको तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि आपको इनका बचाव कीड़ों और बीमारियों से क्या करना है, बचाव करना है, निरीक्षण करना है और अवरोध उत्पन्न करना है। अवरोध मतलब जैसे कि आप सड़क से चले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल जो आज के नौजवान जैसे चलाते हैं, हम राइटर भरे चले जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर जगह जगह बना दिए जाते हैं, जहाँ पे कुछ विशेष होता है, स्कूल होता है या कहीं की गली होती है, मोड़ होता है, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अवरोध। तो इसी तरह से हम कीड़ों को बीमारियों को रोकने के लिए कुछ अवरोध रूपी फसलें हैं उनको भी उगाते हैं। महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की तीसरी बैठक रविवार को नगर निगम सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से महानगर में स्थित सभी नर्सिंग होम, मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस आदि ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं कॉम्प्लेक्स पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकाया धनराशि की वसूली किए जाने, विकास प्राधिकरण एवं अन्य प्राइवेट विकसित कॉलोनियों की उन्हें टैक्स के दायरे में लाए जाने, महानगर में मच्छरों से मुक्ति के लिए फॉगिंग कराए जाने, महानगर के नालियों की सफाई कराए जाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, उपसभापति जितेंद्र सैनी, कार्यकारिणी सदस्य ऋषि मोहन वर्मा, साहब अंसारी, संजय श्रीवास्तव, संजय यादव, ब्रजेश सिंह, देवेंद्र कुमार गौड़, राधेश्याम रावत, चंद्रशेखर सिंह सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हाँ?
काम का क्या मतलब है, हम लोग का क्या मतलब है? जो मोबाइल मतलब इतना कंडक्ट है उसको, उसका काम ही नहीं करता भाई। साहब ये कौन खरीदारी किया उसको? चाय तो हम लोग विद्यापुर चौराहे पी लेंगे। नहीं, हम आ रहे हैं मीटिंग घर। हमको नहीं चाहिए सबसे घर किसका है? नहीं जा रहे हैं, नहीं स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय जो बनाया गया, इसकी सूची आपके चारों रूम की। अभी एक फरहान नाम के कर्मचारी मैंने आपको आप उसको लीजिए, इसको इसमें लीजिए 10,000 रुपया वो जाके कामर से मांग रहे हैं, इसको कोशिंग लीजिएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हो, जांच तत्काल कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई। इनका मैं रिटर्न अभी मंगवा रहा हूँ, जिनके इन्होंने पैसा मांगा फरहान नाम के ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन शनिवार को रुस्तमपुर बगहा बाबा मंदिर निकट भट्ट भवन में किया गया। इस अवसर पर परिसर के अध्यक्ष राजेश कुमार, उपाध्यक्ष कृपाशंकर, महेंद्रनाथ सहित परिषद के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लोक गायक कलाकार राकेश श्रीवास्तव द्वारा होली गीत की प्रस्तुति भी की गई। बड़े भाई ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद विगत 35 वर्षों से अपने सजातीय बंधुओं का होली मिलन कार्यक्रम आयोजित करता है। इसी कड़ी में वह अपने जवान साथियों से, नौजवानों से और अपने बुजुर्गों से ऐसी अपेक्षा करता है कि हम सब अपनी एका स्थापित करते हुए अपने और अपने समाज को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ते हुए राष्ट्र के उन्नयन के में अपनी महती भूमिका निभाएं। जैसे हमारे पूर्वजों में आर्यभट्ट, कुमारिल भट्ट, माण भट्ट आदि ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था, हम अपने आने वाली पीढ़ी से उसी कीर्तिमान को स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखना चाहते हैं। भारतीय नववर्ष पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा रविवार को दिव्य चेतना मोटरसाइकिल रैली तारामंडल स्थित जागृति संस्थान से निकाली गई। रैली तारामंडल से निकलकर महानगर के विविध मार्गों से होते हुए वापस तारामंडल कार्यालय में पहुंचकर समाप्त हो गई। रैली में शामिल संस्थान के सदस्यों ने स्लोगन और बैनरों के माध्यम से नशा मुक्ति सहित कई अन्य बिंदुओं पर भी लोगों को जागरूक किया। रैली में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सत्य नारायण प्रजापति सहित
संस्थान के कई सदस्य शामिल रहे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य रविवार से आरंभ हो गया है। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए महानगर में 6 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जुबली इंटर कॉलेज, MSI इंटर कॉलेज, तुलसीदास इंटर कॉलेज, सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और MP इंटर कॉलेज शामिल हैं। निर्धारित समय के अनुसार सभी केंद्रों पर शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं और मूल्यांकन कार्य में जुट गए हैं। मूल्यांकन कार्य की विस्तृत जानकारी देते हुए मूल्यांकन प्रभारी श्रीनिवास मणि त्रिपाठी ने बताया, भैया देखिएगा नहीं, अपना काम करते रहिए। भैया काम करवा वह दिखावे कर व्यवस्था का मतलब यही है कि विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत अभी मूल्यांकन के कार्य देखा जा रहा है। एग्जामर अभी पूरे नहीं आए हैं, 50% के करीब परीक्षक आए हुए हैं, BHE भी 10-15 अभी कमे हैं और आज पहला दिन है, शाम तक इसका रिपोर्ट मिलेगा, उसके हिसाब से कल से कार्रवाई की जाएगी, कुछ नए परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिस विषय में अध्यापक नहीं आए हैं उस विषय में अध्यापक तलाश करके मरवाया जाएगा, परीक्षा इसी अनुसार चलेगी मूल्यांकन करता। कहाँ कहाँ केंद्र बनाए गए हैं? गोरखपुर में कुल 6 केंद्र हैं,
एक यमजी है, महात्मा गांधी, सेंट एंड्रयूज, इस्लामिया, जुबली, बिछिया, तुलसीदास, ये अच्छा विद्यालय है। अब दिक्कत का मतलब जिस कापी आई है उस विषय के अगर अध्यापक हमारे वहाँ नहीं है तो अध्यापक की तलाश की जाती है। इसी अध्यापक जो आए हैं इन्हीं लोगों से पता किया जाता है कि इस विषय के अध्यापक कहाँ मिलेंगे, फिर उनको सूचना देकर के उनको बुलवाया जाता है, बुलवा करके के मानाएं से नियुक्ति की जाती है, कापी कटवाई जाती है। आज तो पहला दिन है, हर वर्ष तो कापी में कुछ न कुछ गीत गाना ही, कहानी कथा लिखा हुआ मिलता ही है, और उसके अतिरिक्त जो है कुछ जनपदों में बोर्ड द्वारा क्रमांकित कापी लगाई गई है, उन क्रमांकित कापियों का जब हमको मिलता है मूल्यांकन करने के लिए तो उसका ज़्यादातर हम सख्ती से निरीक्षण करके जाँचते हैं कि बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना नंबर का कोई कापी रखी गई है, तो सावधानीपूर्वक परीक्षक भी उसको देखते हैं, हम लोगों को भी नज़र रखती है। महात्मा गांधी विचार मंच के तत्वावधान में सर्व वैश्य कल्याण समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन गोरखनाथ स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वैश्य कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवशंकर जायसवाल, शैलेंद्र कुमार गुप्ता, रीता ग्रहरी, रचना अग्रवाल, उषा गुप्ता सहित अन्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। गांधी विचार मंच के अंतर्गत पहले तो वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उसके बाद होली मिलन समारोह के अंतर्गत महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाइयां देते हुए मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति की। साथ ही समितियों के सदस्यों ने भी एक दूसरे को होली की ढेरों बधाइयां दी। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महात्मा गांधी विचार मंच के अध्यक्ष शिव शंकर जायसवाल ने बताया, कार्यक्रम यह पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। हर वर्ष हमारा उद्देश्य सर्व वैश्य में एकता स्थापित करना एवं सर्व वैश्य में आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित करना है। इस तरह से हम अपने समाज के को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तथा हमारा सबसे यही आग्रह है कि अपने संपर्क में आने वाले सभी वैश्य बंधुओं का जो कि किसी भी तरह की सहायता अपेक्षित रखते हों उनको पूरी सहायता दिया जाए। इस प्रकार हम यह कोशिश करते हैं कि प्रत्येक वैश्य परिवार का स्तरोन्नयन हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, और हम आपसी सहयोग द्वारा ही यह कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। हम सब अपने कार्यकर्ताओं की मदद से यह कार्यक्रम संपन्न कराते हैं और आशा करते हैं कि इससे हमारे वैश्य बंधुत्व की भावना प्रखर होगी और लोग एकजुट होकर के किसी भी समस्या का सामना करने के लिए सक्षम होंगे। रविवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे आतिफ वेटरन T20 क्रिकेट का एक मैच SBI क्लब और होप क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए होप क्रिकेट क्लब ने 20 ओवरों में 2 विकेटों के नुकसान पर कुल 150 रन बनाए। होप की तरफ से विष्णु दत्त ने 54 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। 151 रन का पीछा करने उतरी SBI क्लब ने 19वें ओवर में ही 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। होप क्रिकेट क्लब की तरफ से विष्णु दत्त और शैलेंद्र राव को 2-2 विकेट मिले।
चलिए चलने से पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। नवरात्र के पहले दिन के साथ हिंदुओं के नव वर्ष का भी हुआ आगाज। गोरखपुर के प्राचीन काली मंदिर में भक्तों का उमड़ा तांता। तरकुलहा देवी पर भी भक्तों ने टेका माथा। नवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला के आवास पर भी आयोजित हुआ फलाहार कार्यक्रम। लोगों ने दी शुभकामनाएं। देवीपाटन मंडल का आयुक्त बनाए जाने के बाद निवर्तमान जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने कहा, गोरखपुर की जनता और प्रशासन का मिला पूरा सहयोग। एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के तबादले के बाद लग रही है शुभचिंतकों की भीड़। जनता, मीडिया, पुलिस और मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार। गोरखनाथ मंदिर में लगाए गए किसान मेले के तीसरे दिन किसानों को फसल को नुकसान से बचाने की दी गई जानकारी। गोरखपुर नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई संपन्न। महानगर के विकास के कार्यों पर हुई चर्चा। ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। नववर्ष के अवसर पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। 6 केंद्रों में रविवार से आरंभ हुआ हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य। वैश्य कल्याण समिति द्वारा मनाया गया होली मिलन समारोह। रंग गुलाल लगाकर महिलाओं ने किया मनमोहक नृत्य। और आतिफ वेटरन T20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने SBI क्लब को 37 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। और गोरखपुर न्यूज के परिवार की तरफ से आपको नव वर्ष की और साथ ही नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयां। तो देखते रहिए गोरखपुर न्यूज। नमस्कार।